हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और जीटीयू डेली टेक के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की खबर आ रही है घर से, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और सभी लोगों को वर्क फ्रॉम होम कर दिया, क्योंकि बारिश तो जैसी तैसी हो रही है, घर से निकलना ही मुश्किल हो जा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। तो आई होप कि आज की खबर आपको पसंद आएगी, और अगर खबर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के टेक ज्ञान ऑफ द डे के साथ, और टेक ज्ञान ऑफ द डे बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज के दिन सबसे छोटा कंप्यूटर रिलीज किया था एप्पल ने एक समय पे, और ये बात है जुलाई 19, 2000 की। जी हाँ, उस टाइम पे मैक क्यूब नाम का सबसे छोटा डेस्कटॉप कंप्यूटर रिलीज किया था, जो कि एक तरह से बाद में जाके आई मैक बना या फिर मैक मिनी भी बना और बड़े वाला मैक डब्बे जैसा बना, और आज के समय में हम देखते हैं आई मैक प्रो। तो बेसिकली उसकी शुरुआत हुई थी मैक क्यूब के नाम से। अब तो क्यूब आपको सुनाई भी नहीं देगा कहीं पे भी, लेकिन हाँ, उस टाइम पे वो सबसे छोटा डेस्कटॉप कंप्यूटर था, क्योंकि सारे पोर्ट्स उसमें थे और वो सिर्फ एक छोटे से बॉक्स साइज का था। तो इट इज़ लाइक वेरी स्मॉल, और आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा है वो। तो यहाँ पे मैक क्यूब की शुरुआत हुई थी। बात करते हैं आज की पहली टेक की खबर के साथ, और ये है Realme Pad के बारे में। जी हाँ, टैबलेट का मार्केट गर्म होने वाला है, क्योंकि Realme लॉन्च करने वाला है अपना Realme Tab, और आज की खबरों में Xiaomi की तरफ से जो टैबलेट आने वाला है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, उसका हमने एक लीक निकाला था जो कि बहुत से लोगों ने नोटिस नहीं किया, लेकिन आप चौंक जाएंगे कि Xiaomi ऑलरेडी तैयारी कर चुका है अपने टैबलेट की, इवन Realme से भी पहले। तो Realme के टैबलेट के बारे में कहा जा रहा है कि 10.4 इंच का डिस्प्ले इसमें मिलेगा, स्टाइलस का सपोर्ट मिलेगा, एक तरह से Samsung के Tab S7 सीरीज से मुकाबला करने की कोशिश की जा रही है, और इसकी जो लुक एंड फील है वो बिल्कुल आईपैड जैसी ही है। हालांकि जो कैमरा है वो छोटा सा दिख रहा है, कैमरा शायद थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था, लेकिन हाँ, लुक एंड फील में छोटा दिख रहा है, क्या पता कैपेबिलिटीज में अच्छा भी हो। तो Realme का ये टैबलेट बहुत जल्दी लॉन्च होगा यूरोप में, और बाद में ये इंडिया भी आ जाएगा। तो कुछ इसी तरह से खबरें आ रही है, अब Realme का टैबलेट आने वाला है, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिए। बात करते हैं एक और टैबलेट के बारे में, और ये है Lenovo का P11। जी हाँ, Lenovo का P11 26 जुलाई को लॉन्च होने वाला है। Amazon पे आ चुका है ये, इसका लिस्टिंग हो चुकी है, पेज बन चुका है। ये सस्ता वाला टैबलेट होगा, तो समझ लीजिए A सीरीज के जो टैबलेट होते हैं Samsung के, उसके साथ कम्पीट करेगा Lenovo का P11। तो Lenovo का P11 इज गोइंग टू बी एन अफोर्डेबल टैबलेट। हालांकि इसमें IPS LCD डिस्प्ले मिल जाए तो बड़ी बात होगी, इसमें TFT डिस्प्ले होगा मोस्ट प्रोबेबली, तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। प्राइसिंग वगैरह देख के, स्पेसिफिकेशन और जान के हम आपको और आगे बताएंगे। अगली जो खबर आ रही है वो बहुत ही बड़ी खबर है, और वो है Pegasus मालवेयर के बारे में, जो कि इसराइल जो गवर्नमेंट है, इसराइली गवर्नमेंट, उन्होंने बनाया हुआ है, और वो बेसिकली एक स्पाई सॉफ्टवेयर है, और वो स्पाई सॉफ्टवेयर 40 इंडियन जर्नलिस्ट के ऊपर यूज किया गया है, उनके फोन के ऊपर उनको स्पाई करने के लिए। ये जो मॉलवेयर होता है, एक तरह से वायरस जो होता है, इसको किसी भी पब्लिक एंटिटी को नहीं बेच सकते, कोई प्राइवेट एंटिटी को भी नहीं बेच सकते, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को ही बेचा जाता है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने 40 जर्नलिस्ट के फोन्स को एक तरह से हैक किया है, और वो क्या कर रहे हैं, क्या स्टोरीज लिख रहे हैं, सरकार के अगेंस्ट है, सरकार के फेवर में, ये सब कुछ पता किया है। तो ऐसे में बहुत बड़ी खबर है ये, और ये खबर धीरे धीरे और अनफोल्ड होगी, और बहुत सारी मीडिया एजेंसीज ने यहाँ पे बोला है, इवन प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने बोला है कि भाई यहाँ पे इसके एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि पता चले कि गवर्नमेंट ने इस जानकारी से क्या किया, और एक्चुअली में ऐसा क्यों किया गया कि जर्नलिस्ट के फोन को एक तरह से हैक किया गया इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, और ये सॉफ्टवेयर बहुत ही खतरनाक है। तो इससे दूर रहना भाई, पता नहीं क्या हो रहा है आजकल, मैं क्या कह सकता हूँ, मतलब आई एम नॉट पॉलिटिकली लाइक इस कुछ भी कहना चाहता हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें गड़बड़ दिखाती है, मतलब इतना मैं कह सकता हूँ, ये तो गड़बड़ वाला काम है। आगे पता नहीं क्या होगा, अभी इतना सब कुछ हो रहा है, तो क्या पता अगला नंबर हम लोगों का हो जाए, तो इसलिए सोच समझ के ट्वीट करो भाई। बात करते हैं दोस्तों पिक्सल के बारे में। पिक्सल का फोल्डेबल फोन लॉन्च हो सकता है 2021 के एंड से पहले। अब ऑलरेडी हम बात कर रहे हैं आजकल की पिक्सल 6 सीरीज के फोन जो हैं लॉन्च होने वाले हैं, और बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ ये फोन आने वाले हैं, क्योंकि गूगल की चिप पहली बार इन फोन्स के अंदर हमें देखने को मिलेगी, और ये फोन अपने आप में एक बड़ा लॉन्च है गूगल की तरफ से, क्योंकि गूगल का प्रोसेसर इसके अंदर होगा, जो कि वाइट चैपल के नाम से कहा जा रहा है। लेकिन अगर फोल्डेबल फोन भी गूगल के पास तैयार है तो बहुत बड़ी खबर है, यानी कि 2021 के एंड होते होते गूगल बहुत ही तगड़े धमाके करने वाला है, और फोल्डेबल फोन में अगर गूगल आएगा तो डेफिनेटली सब लोग जानना चाहेंगे कि भाई क्या
क्वालिटी होगी और गूगल ऐसी कंपनी है जो कि मुकाबला कर सकती है एप्पल और सैमसंग के साथ, तो क्या पता हमें फोल्डेबल फोन में भी अच्छे और ऑप्शन मिलने शुरू हो जाएं। सैमसंग के तो अच्छे ऑप्शन है, लेकिन एप्पल और गूगल की तरफ से भी अगर आ जाएगा ऐसा कुछ तो कॉम्पिटिटिव हो जाएगा मार्केट और फिर प्राइसिंग जो है थोड़ी नीचे जा सकती है। बाकी पता नहीं क्या होगा, वो तो पता चलेगा समय के साथ। बात करते हैं Xiaomi के इस टैबलेट के बारे में जिसका नाम है Mi Pad 5। Mi Pad 5 नेक्स्ट मंथ तक लॉन्च होगा, जुलाई में नहीं और नेक्स्ट मंथ तक चाइना में लॉन्च होगा। तो Mi Pad 5 बिल्कुल iPad जैसा ही है, iPad Pro जैसा ही है, इसकी लुक एंड फील, डिजाइन सब कुछ यहाँ पे आ रही है। अंकित जी ने इन्फॉर्मेशन डाली है और हमने कुछ महीने पहले इसके बारे में हिंट भी दिया था जब हमने एक फोटो डाली थी अपनी टेक न्यूज़ के अंदर, और उस टेक न्यूज़ के अंदर मनु कुमार जैन जी बैठे हुए हैं, उनके साथ में एक अखबार है, अखबार के ऊपर Redmi Note 10 Pro का सीरीज का एड है, लेकिन साइड में एक बड़ा सा बॉक्स रखा है जिसपे 5 लिखा है, जो कि Mi Pad 5 का बॉक्स हो सकता है। और ऐसा ही हमने कहा था और ये लगता है कि धीरे धीरे सच होने वाला है। अगर वो मनु कुमार जैन जी के पास दिख रहा है यानी कि वो इंडिया तो आ ही सकता है। तो Mi Pad 5 मे कम टू इंडिया, और जैसे Realme टैब लाएगा तो फिर Xiaomi को भी लगेगा कि हम भी लॉन्च करेंगे टैबलेट एनीवेज, और उनका टैबलेट तो पहले से तैयार है। बात करते हैं दोस्तों ब्राजीलियन पुलिस के बारे में जिन्होंने अरेस्ट किया है कुछ ऐसे गैंग को जो कि आईफोन को हैक कर लेते थे और आईफोन को हैक करने के बाद जो बैंकिंग डिटेल्स होती थी कंज्यूमर की उनको निकाल लेते थे और इस तरह से ये काम करते थे। इनको एक तरह से अरेस्ट कर लिया है। यहाँ पे एप्पल के पीछे पड़े रहता है FBI कि भाई फ़ोन अनलॉक कर दो, फ़ोन अनलॉक कर दो। ऐसी कहानी हुई थी पहले कभी किसी एक क्रिमिनल का फ़ोन अनलॉक करना था तो एप्पल ने मना कर दिया था, और यहाँ पे ब्राज़ीलियन के हैकर्स बिना कुछ करे ही ऐसा फ़ोन हैक करके और उसके अंदर से डेटा वगैरह सब आराम से निकाल ले रहे हैं। तो मैं बस इतना कहूँगा FBI को अगली बार ज़रूरत पड़े किसी आईफोन को अनलॉक करने की तो ब्राज़ील जाएं, एप्पल के पास नहीं, क्योंकि एप्पल तो बताएगा नहीं। अगली खबर है यहाँ पे MacBook Pro के बारे में। MacBook Pro पे आने वाला है मिनी LED डिस्प्ले जो कि अभी अभी आया है नए वाले Mac के ऊपर, तो उस तरह का डिस्प्ले मिलने वाला है MacBook Pro पे जो कि एंटी रिफ्लेक्टिव होता है यानी कि इसमें रिफ्लेक्शन ज़्यादा नहीं होता है और उसमें ब्राइटनेस भी ज़्यादा होती है। 1600 निट्स तक की ब्राइटनेस जो है देखी गई है। तो यहाँ पे सितंबर नवंबर में इस नए MacBook Pro का लॉन्च होने वाला है, तो अगर आप MacBook Pro लेना चाहते हैं तो बढ़िया वाला MacBook Pro आपको सितंबर नवंबर में मिल जाएगा और उसमें शायद नया वाला प्रोसेसर M1X वाला भी मिल जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। बात करते हैं दोस्तों OnePlus Nord 2 5G के 4K ऑफिशियल रेंडर्स ईशान अग्रवाल जी ने डाल दिए हैं। 6.4 इंच का 90 हर्ट्ज का फ्लूइड AMOLED डिस्प्ले है इसमें, ये सब बताया है। MediaTek Dimensity 1200 वाला चिपसेट है, सोनी का IMX766 वाला कैमरा है जो कि नया सोनी का सेंसर है, 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, 128GB की स्टोरेज है UFS 3.1 वाली और 8GB की रैम है, 12GB रैम भी मिल जाएगी इसमें। और इसके जो फोटोज देख के लग रहा है कुछ भी नया तो है नहीं यहाँ पे, ये बिल्कुल OnePlus 9 का छोटा रूप लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है। तो आप लोग बताइए कि कैसा लग रहा है आपको फोन। बाकी इसका जो ग्रे कलर है वो मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, ब्लू कलर या जो भी ग्रीन जैसा कलर है इट इज नॉट दैट इंटरेस्टिंग। बात करते हैं दोस्तों अगली खबर, और ये है Realme Band 2 के बारे में। Realme Band 2 लीक हो गया है, उसके रेंडर्स आ चुके हैं, 1.4 इंच का डिस्प्ले है और ये बिल्कुल कुछ कुछ वैसा लग रहा है जैसे Huawei का एक बैंड आया था पिछले साल जो कि हमने रिव्यू भी किया था, आई थिंक Huawei Band 4 समथिंग कुछ था, जो भी था वो बेसिकली वर्टिकल थोड़ा सा उसका रेक्टेंगुलर डिस्प्ले होता है, स्क्वायर नहीं होता है, सर्कुलर नहीं होता है, रेक्टेंगुलर डिस्प्ले है तो अच्छा लगता है, डिज़ाइन थोड़ा सा बड़े लगता है, इसमें लगता है थोड़ा डिस्प्ले बड़ा है और थोड़ा वॉच वाली लुक भी आती है। और ये है तो बैंड लेकिन इसकी लुक वॉच जैसी है और सस्ता होगा, तो ऐसे में जिन लोगों को वॉच वाली लुक चाहिए और बैंड जितने पैसे देने हैं तो आप Realme Band 2 को सोच सकते हैं कि भाई आप इसके लिए वेट कर सकते हैं। 1.4 इंच का डिस्प्ले होगा तो 1.4 इंच आप मान सकते हो थोड़ा सा बड़ा होगा, एक स्क्वायर वॉच से थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले आपको मिल जाएगा। बात करते हैं दोस्तों टिप्स एंड ट्रिक्स की। पहली टिप है आज कि कैसे आप टारगेटेड एड्स जो आपको टारगेट किए जाते हैं एंड्रॉइड के ऊपर, iOS के ऊपर यानी कि आईफोन के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, इन टारगेटेड एड्स से कैसे बच सकते हैं, यानी कि उन्हें पता है कि आप ये वाला एड देख के क्लिक करोगे, इस आपने कुछ सर्च किया था उससे रिलेटेड कोई एड अगर आपको दिखाया जाता है तो वो टारगेटेड एड होता है, इस तरह के एड से आप बच सकते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स में हमने बताया है, जाके आप पढ़ लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा नीचे। और अगली जो टिप है वो भी सुन के जाइए, कैसे आप लास्ट 15 मिनट्स की हिस्ट्री, गूगल सर्च हिस्ट्री जो है डिलीट कर सकते हैं। ये तो आई थिंक बहुत से लोगों के लिए कामयाब ट्रिक होगी, बहुत ही यूजफुल ट्रिक होगी। 15 मिनट समझ रहे हो ना, लास्ट 15 मिनट में जो आपने किया है सर्च इधर उधर ऐसा वाला, वो सब जो है डिलीट हो सकता है और वो बहुत ही आसान तरीके से आप उसको ऑटोमेटिकली डिलीट कर सकते हैं।
मैनुअली भी करने की जरूरत नहीं है, आपने ब्राउजर बंद किया डिलीट हो जाएगा। तो ये हमने बताया, इसको जाके पढ़ लेना, बहुत काम आएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये थी आज की सारी ताज़ा टेक की खबरें। आज की खबर में हम आपको वाउचर नहीं दे पाएंगे क्योंकि 250 लाइक का टारगेट कंप्लीट नहीं किया आप लोगों ने। अब नहीं करते हो तो नहीं है वाउचर, करोगे तो है वाउचर, बस इतना ही है। और अगर अच्छा लगा है वीडियो तो वीडियो को लाइक करिए और 250 के टारगेट तक पहुंचा दीजिए ताकि आप में से किसी को वाउचर मिल पाए। हमें क्या करना है, वाउचर का आपको ही देना है ना। तो फिलहाल इसमें इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया टेक न्यूज़ में। अब मैं विदाई लेता हूँ आपसे, कल मिलता हूँ दोबारा। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।